तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि क्रूसिया इंटरमीडिएट के एग्जाम्स चालू है, जिसमें ग्रुप वन के तीन पेपर अब एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन हो चुका है और ग्रुप टू का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। और आज ग्रुप टू का फर्स्ट पेपर था जो था कॉस्टिंग। तो मेरे पास है कॉस्टिंग का पेपर एंड हम सिर्फ ऐसे ओवरऑल पेपर एनालाइज रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एज पर न्यू सिलेबस हमारा पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, 30 मार्क का एमसीक्यूज विच इज केस सिनेरियो एमसीक्यूज एंड 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, जो 70 मार्क के थे। तो उस क्वेश्चन में ना, सच बता दूँ, जिसने भी मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा होगा दो बार, वो आराम से 70 आउट ऑफ 60 और 55 प्लस स्कोर कर सकता है। बिकॉज इवन आई कैन से मोर देन 50 प्लस परसेंटेज के जितने भी सब्स थे वो सब मॉड्यूल्स के थे। सिर्फ एक दो कंसेप्ट ऊपर नीचे किया था और अमाउंट चेंज किया था। ऑब्वियसली इतना तो आप एक्सेप्ट कर ही रहे हो बिकॉज यू आर गिविंग सीए लेवल का एग्जाम, तो कट कॉपी पेस्ट तो नहीं आता। बट ओवरऑल 60% चीजें सेम थी, पेपर वॉज गुड एज फॉर मी, इट्स माई पर्सनल एंड सब्जेक्टिव ओपिनियन। सो पेपर वॉज गुड, लेंदी था, मुझे लेंदी लगा पर्सनली। तो ओवरऑल फॉर 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव दैट पेपर वॉज गुड। तो आराम से जिसने मॉडल किया रहेगा, दे ही और शी कैन अचीव गुड मार्क्स। अब आते हैं 30 मार्क के एमसीक्यूज पे। तो ऑब्वियसली आईसीआई उसे पता है बच्चों के दिल दिमाग से कैसे खेलना है। तो उसने 70 मार्क का उनका तो इजी दिया, बट 30 मार्क के एमसीक्यूज, ओह माय गॉड, ट्रस्ट मी, पता नहीं, मतलब ये सारी चीजें मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मेरा सब्जेक्ट पर्सनल ओपिनियन है। तो हुआ क्या कि मैंने स्टार्ट किया एमसीक्यूज से, बिकॉज मुझे जो सेट मिला था पेपर का, तो उसमें ना स्टार्टिंग के दो तीन एमसीक्यूज वो सुपर इजी, क्योंकि मेरा विद इन अ 5 मिनट आंसर आ गए थे। तो मुझे कॉन्फिडेंट आया कि ठीक है, एमसीक्यूज इजी है, मैं पहले एमसीक्यूज सॉल्व करूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, पहले मैं कॉस्ट शीट के क्वेश्चन पे गई, फिर सेट स्टैंडर्ड के, मुझे मतलब सम सॉल्व कर रही हूँ पर मुझे आंसर ही नहीं आ रहा है, और या फिर पता नहीं, मतलब आई एम जस्ट स्टक इन बिटवीन दैट। और ऐसे करते करते मैंने 45 मार्क्स, आई एम सेइंग 45 मिनट्स, आई एम लिटरली सेइंग 45 to 50 मिनट्स मैंने सिर्फ एमसीक्यूज में मेरे वेस्ट कर दिए। देन आई रियलाइज कि दो छोड़ दे, हो गया, जो है 70 मार्क का वो पेपर पहले अटेम्प्ट कर। और 2 घंटे बचे थे मेरे पास, और जितना आया था, जितना मेरा दिमाग खुल रहा था, उतना मैंने एमसीक्यूज में कर लिया, ए भी जो जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से था वो मार्क करके मैं आगे बढ़ गई। और मैंने 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ओवरऑल अच्छे से अटेम्प्ट किया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझे 50-55 प्लस आना चाहिए, अगर चेकिंग अच्छी स्ट्रिक्ट हुई तो। आई डोंट नो, मतलब यू नो आईसीआई का प्रेडिक्शन हम लोग कर ही नहीं सकते। तो मैंने 2 घंटे में 55-60 मार्क का अटेम्प्ट किया। ओवरऑल मैंने 85-90 मार्क के पेपर लिखे हैं, यहाँ पे मैंने ये भी करके रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 वॉज सुपर इजी, उसका मुझे क्वेश्चन नंबर 1 के सी में थोड़ा सा मैं स्टक हुई थी, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी वॉज गुड। क्वेश्चन नंबर मैंने थियरी ऑप्शन में छोड़ा और बाकी ए बी सी वॉज ऑल्सो इजी। बट मुझे जहाँ तक लगा ना कि पेपर हिंदी आया था, प्लस एमसीक्यूज खतरनाक आए थे, बट ऑन एंड एवरेज पेपर ऐसा नहीं था कि बच्चे फेल होंगे। अगर जिसने बहुत अच्छे से कामली मैंट, जिसने मेरे वाली गलती नहीं की होगी और उसने अच्छे से अपना टाइम अलॉट किया रहेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे, ही और शी आराम से गेट द 70 और 60 प्लस, आई कैन से 55-60 प्लस मार्क्स। बट इन माई केस आई डोंट थिंक सो आई विल गेट 70 मार्क्स, बट इट जस्ट माई होप कि आई विल गेट 50 और 55 प्लस मार्क्स। सो ये था ओवरऑल कॉस्टिंग का रिव्यू। तो अभी हमें बताओ पीछे कमेंट करके आपके पेपर्स कैसे गए, और ठीक है ना यार, जैसे भी गए, अभी हमारे पास ऑडिट पड़ा है जिसके लिए 3 दिन है, तो ऑडिट को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि अगर एग्जीक्यूट में ऊपर नीचे होता भी है तो ऑडिट या फिर एफएमएसएम हमें बचा ले। और वैसे भी आपका पहला पेपर है तो जो शायद आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगी, हाँ, आप मुझे आगे के 2 पेपर में कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू प्रिपेयर वेल। ओके, बाय बाय।